बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी, बिगड़ी पानी आपूर्ति और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को सौंपा गया। इससे जल्द ही व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं गया तो मजबूरन कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में आंदोलन करने की बात कही गई। बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी, बिगड़ी पानी आपूर्ति और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को सौंपा गया। पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी है। भीषण गर्मी में पानी की सप्लाई नहीं होने और प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल होने के कारण प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह धरना दिया गया। जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो मजबूरन कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय माहौद पार्क के पीछे वाली रोड पर धरने पर बैठ गए। धरने को कई कांग्रेसी नेताओं ने संबोधित करते हुए राज्य सरकार की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कटाक्ष किए। वहीं धरने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर पहुंचे और परिसर में जमकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान, जिला संगठन महामंत्री मेवा राम सोनी, एडवोकेट मुकेश जैन, पार्षद नरेश देव साहरण, चैन सिंह, वरिष्ठ नेता हरचंद सोलंकी सहित कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस नारों के साथ में आई है कि गहलोत कांग्रेस सरकार है जो बिजली समय पे नहीं दे रही है, रेट टाइम बढ़ा दी है, पानी समय पे नहीं दे रही है। उस नारे के साथ में लोगों को बदला कर आई है। आज क्या हालत आप लोग देखते हैं, अपना हर जगह शहर नहीं, शहर में इतनी व्यवस्था है वहां पर भी पानी नहीं और लाइट की व्यवस्था नहीं है। गाँव में तो हाहाकार मचा हुआ है, एक कोई डीपी है गरीब गांव में जल जाती है, एक एक महीना तक नहीं मिलती और एक महीना तक किसी की विद्युत नहीं आती, उसकी क्या हालत है अपन अनुमान लगा सकते हैं। शहर के बैठा हुआ एक अधिकारी को एक 15 मिनट लाइट नहीं थी, उसकी क्या स्थिति होती है, गाँव वालों की क्या स्थिति है वो कोई देख नहीं रहा है। और उसके उपरांत अभी जो बजट पेश किया गया उसमें भी कोई ऐसी राहत नहीं दी गई आम लोगों के लिए, और अभी जो विद्युत का सरचार्ज बढ़ाया वो भी हालत खराब करने वाले हैं। इन तमाम बातों को लेकर के आज हम यहाँ सब देखते हुए और यहाँ पार्टी के निर्देश अनुसार यहाँ ज्ञापन। जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने कहा कि बड़े बड़े दावे करके सत्ता में आने के बाद बिजली महंगी कर दी और पानी भी सरकार समय पर नहीं दे रही, कानून व्यवस्था तो पूरे प्रदेश में बदहाल सी हो गई है। शहर से लेकर गांव तक पानी और बिजली की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही। गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद एक एक माह तक नहीं बदलते। एक माह तक गांव में बिना लाइट रहना कितना मुश्किल है, इसका आकलन किया जा सकता है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।